नमस्कार, आप देख रहे हैं कोमल चौहान के साथ इंडिया समाचार। दबंगों ने परिवार के साथ मिलकर अकेली महिला के घर में घुसकर किया मारपीट का तांडव। पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार। खागा फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के कमलाखेल दयालपुर गांव में बुधवार को शाम समय लगभग 5 बजे अकेली महिला के घर में घुसकर दबंगों ने रजी बस लात घूसों से पिटाई कर फरार हो गए, जिसकी तहरीर पीड़िता ने पुलिस को दे दिया, जिस पर पुलिस ने आश्वासन देकर घर भेज दिया। खागा कोतवाली क्षेत्र के कमला खेर दयालपुर गांव निवासी कमलेश कुमारी पत्नी अमोद कुमारी ने अपने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि अपने खेत में गेहूं बुआई हेतु खेत बटाई देकर खेत तैयार किया गया था, जिसमें पड़ोसी कृष्णाकांत रंजित बस उसी खेत में पानी भर दिया, जिससे हमारी गेहूं बुआई का कार्य रुक गया और हमारी सारी किए कराए पर मेहनत पे पानी फेर दिया गया, जिसकी शिकायत करने पर बाइटदार को गाली गलौज करने के बाद हमारे घर में अकेली समझदार कृष्णाकांत पुत्र श्याम तिलाल तिवारी व दोनों पुत्र ननका योगेश व पत्नी गिरजा देवी बहू सुमन देवी आदि सभी परिवार के साथ भद्दी भद्दी गालियां देते वे घर में घुस गए और लात घूसे से मारने लगे। तभी जोर जोर से रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर भतीजा आलोक कुमार व उसकी माँ संत कुमारी आ गई और बीच बचाव में करने लगे तो उन्हें भी मारपीट, जिससे उनके भी खरोच व चोटे आ गई और यह कहकर चले गए कि तुम हमारे लड़ाई झगड़े में बीच में गवाही दोगे तो अभी इतना मारेंगे तभींगे, फिर देखते हैं कि तुम्हें कौन बचाने आएगा। चलिए चलते हैं हम अपने संवाददाता अनिल कुमार की खास रिपोर्ट पर। मेरा नाम आलोक कुमार तिवारी है। कहाँ का रहने वाला? कमला खेड़ का रहने वाला हूँ। ये जो कमरेश तिवारी जी आपकी चाची हैं, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ, इनके खेत में पानी भर दिया था, वो बोली पानी भर दिया तो उनको बोलने गए तो उनको मारने लगे। उसका बड़ा बेटा, उनके बाप और उनके माँ का छोटा वाला लड़का, उनको हम बचाने गए तो हमको भी मारे, हाथ में चोट आ गई। आप भी साथ में थी? हम भी साथ में। अच्छा, क्या कहा उन लोगों ने मारते समय? कुछ बोल रहे थे? मारते समय बोलते हैं कि जो आप गवाही दोगे किसी की तो हमने इतना ही मारा भी और मारेंगे। मारते रहते हैं, घर पे कोई रहता नहीं है, बड़े बुजुर्ग सब कमाने बाहर चले जाते हैं, वो लोग अकेले का मौका पाके सब औरतों को मारते हैं। चाची आपके अकेले रहती हैं? चाची वो अकेले रहती हैं, हम भी बाहर रहते हैं, अभी दिवाली पे आए हैं। खेत में पानी किसने लगा दिया था? कृष्णकांत। अच्छा, पूरा खेत भर गया है क्या? ठीक, जोर से बोलिए। कमलेश तिवारी, क्या मामला है आपका? मेरे खेत में पानी भरवाने के लिए भरवाया था, इसके बाद में पानी थोड़ा रंजित था तो पानी भर दिए हैं, वहाँ ओढ़न देने गए तो उसने ओढ़न नहीं लिया और मारपीट करने लगे हैं। कौन मारपीट करने लगा? श्री घाट, क्या नाम है, मेरे पड़ोस वाले। और क्या नाम बताया आपने? कृष्णकांत। अच्छा, तो कहाँ मारपीट की है? घर के अंदर में, वहाँ और हम देकर उनके दरवाजे से आई हूँ और वहाँ से आने नहीं पाएंगे तो मेरे घर के अंदर आ गए, वहाँ मारने लगे। आपके घर में और कौन था? कोई नहीं था, मेरा आदमी परदेश में है। अच्छा, आप अकेली थी? मैं अकेली थी, मेरे दो बच्चे थे और मेरे भतीज हैं, जब मैं शोर सुना है तो मेरे भतीज मुझे बचाने आए हैं जी। उसकी माँ और मेरा भतीज, तो उनको भी मारे थे। अब आप क्या चाहती हैं? उनका जिस तरह हमें किए हैं उसी तरह इनको भी मारने की।